अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अवैध तरीके से बंदूक रखने और टैक्स चोरी के मामले में अपने बेटे को माफी दे दी है। बाइडेन का ये फैसला उनके उस वादे का यूटर्न है जिसमें उन्होंने अपने परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करने की बात कही थी। राष्ट्रपति बाइडेन ने बयान जारी कर कहा है कि आज मैंने बेटे हंटर को माफी दे दी है। जब से मैंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला है, मैंने कहा है कि न्याय विभाग के फैसले में दखल नहीं दूंगा और मैंने अपना ये वादा निभाया है, लेकिन मैंने देखा कि मेरे बेटे को निशाना बनाया जा रहा है और गलत तरीके से उस पर मुकदमा चलाया गया। उस पर लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित थे। इससे पहले बाइडेन ने कहा था कि वो डेलावेयर और कैलिफोर्निया में चल रहे दोनों मामलों में ना ही अपने बेटे हंटर को माफी देंगे और ना ही उसकी सजा में हस्तक्षेप करेंगे। आपको बताएं तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन पर टैक्स चोरी से लेकर गैर कानूनी रूप से हथियार रखने, सरकारी पैसे का गलत तरीके से इस्तेमाल करने और झूठी गवाही देने का आरोप है। इससे पहले डेलावेयर की कोर्ट में हंटर ने टैक्स चोरी और गैरकानूनी रूप से बंदूक रखने की बात स्वीकार कर ली थी। आरोप है कि हंटर बाइडेन ने जानबूझकर आयकर का भुगतान नहीं किया था। वो 2017 और 2018 में 15 लाख डॉलर से अधिक का टैक्स रिटर्न समय पर दाखिल नहीं कर पाए थे। इन दो सालों में उनकी कमाई पर लगभग $1,00,000 से अधिक का बकाया है। उन पर 12 से 13 अक्टूबर 2018 के बीच गैरकानूनी रूप से हथियार रखने का भी आरोप है। ये वो समय था जब वो ड्रग्स के आदि थे। हंटर बाइडेन लॉबिक्स वकील और विदेशी कंपनियों के लिए कंसल्टिंग का काम करते रहे हैं। वो इन्वेस्टमेंट बैंकर और आर्टिस्ट भी हैं।